हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। तो यार, आज की हम वीडियो में अपने सिस्टम से एक तो वेब ब्राउज़र कैसे ओपन करना है, जैसे मैं बोलूँगा ओपन youtube.com तो वो कैसे खोलेगा, और दूसरा हम करवाने वाले हैं कि सेंड एन ईमेल टू दिस वन पर्सन, तो यार वो कैसे करेगा। तो चलिए यार शुरू करते हैं। पहले पाइथन खोल लीजिए, इतना मैंने आपको कल करवा दिया था कि जो मैं बोलूँ ये भी सेम वही बोलेगा। तो यार सबसे पहले तो हमें फाइल्स, दो फाइल्स इंपोर्ट करवानी है। सबसे पहले तो है इंपोर्ट वेब ब्राउज़र। तो यार इंपोर्ट वेब ब्राउज़र का काम क्या है, इसका मेन काम यही है कि ये डिस्प्ले करवाता है वेब बेस्ड डॉक्यूमेंट्स टू यूज़र बाय सिंपली कॉलिंग ओपन। मतलब अगर आप ओपन वर्ड यूज़ करोगे और कोई भी बोलोगे जैसे ओपन यूट्यूब, तो यार ये यूट्यूब डिस्प्ले करवा देगा आपको बड़ी आसानी से। तो यार एक और चीज़ इंपोर्ट करवा लेते हैं, इंपोर्ट RE। तो यार RE क्या है, RE है रेगुलर एक्सप्रेशन। इसका काम क्या है यार, इसमें ना सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स पहले ही डिफाइंड होते हैं जिनका काम होता है कि सर्च करना चीज़ों को। प्रोग्राम के अंदर ही ये चीज़ों को सर्च करते हैं, फाइंड करते हैं और उन्हें रिप्लेस या जो भी हमने करवाना हो वो करते हैं। तो यार ये दो इसमें हमें ज़रूरी चाहिए थी, हमने करवा ली। तो यार अब शुरू करते हैं, इसी में ही अपने प्रोग्राम यहाँ तक बिल्कुल सही जा रहा है। तो यार ये तो मैंने कल बताया था कि एज इट इज़ सी, आपको ऐसे ही फाइल लिखनी पड़ती है क्योंकि जो भी मैंने बोलना है इसने वो रेकोगनाइज इसी फाइल से आप करवा सकते हैं। तो यार पहले सबसे पहले एक डिफाइन कर लेते हैं माई कमांड नाम से, जो कि यार हमारी कमांड लिसन करे सारी। डिफाइन माई कमांड फंक्शन बना लिया मैंने एक, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यार इसके बाद जैसे इंटेंट हमें करवाना है, यहाँ पे करवा दिया ये भी, और ठीक है यार। तो यार इसके बाद हमें जो करना है वो है ये अपना थोड़ा ऊपर, यहाँ पे यार सिंपल करने के लिए हम लिख देते हैं कमांड इक्वल्स माई कमांड। ठीक है, तो रिटर्न ये क्या करेगा, रिटर्न कमांड कुछ नहीं आएगा। तो यार ठीक है, ये हमारा अभी सिर्फ ये हमारी कमांड को लिसन करेगा और अभी कुछ नहीं करेगा ये। तो यार हमें सबसे पहले अब अपना एक असिस्टेंट डिफाइन जो मैंने यहाँ पे किया है, असिस्टेंट रिस्पॉन्स ऑडियो, उसे दोबारा एक बारी यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा जो कि हमारा कमांड लिसन करे। असिस्टेंट लिख देते हैं, असिस्टेंट और ब्रैकेट में कमांड, ताकि ये हमारी कमांड सुने। यार इसका मेन मकसद ये है कि अगर कोई भी जैसे हमने कमांड उसे दी है तो वो सुनेगा और नीचे जो भी हम ब्लॉक में लिखेंगे वो उसमें से चीज़ें ढूंढेगा कि हमने क्या बोला है। तो यार लिख देते हैं इफ ओपन इन कमांड। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर मैं ओपन बोलूँगा तो यार ये फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा, और इसमें हमारे पास दो वो आती हैं RE जो कि है सर्च और फाइंड वाली, लाइब्रेरी रेगुलर एक्सप्रेशन। तो यार इससे हम एक चीज़ बना लेंगे,
कोई भी वेरिएबल बना लीजिए, हारी सर्च तो यार यहाँ पे देख सकते हैं पैटर्न स्ट्रिंग फ्लैग और फंक्शन ये सर्च करेगा, तो इसे हम ओपन डॉट डॉट कमांड डोमेन कोई भी वेरिएबल बना लिया हमने, तो इसमें हम करवाएंगे reg_x.group1, ठीक है, प्रिंट करवा देंगे हम डोमेन। तो यार अब हमें URL ओपन करवाना है, क्योंकि ओपन से हम वेब ब्राउज़र ओपन करवाएंगे। तो यार URL पहले ही एक डिफाइंड यहाँ पे होता है, URL का काम है वेबसाइट ओपन करना हमारे ब्राउज़र में डिफ़ॉल्ट जो है, तो यार वेब ब्राउज़र के स्टार्टिंग में होता है HTTPS। www क्योंकि वो तो हम बोलेंगे नहीं अब, तो हमें यहाँ पे पहले ही डिफाइन करवाना है, और प्लस जो हम बोल रहे हैं डोमेन, ठीक है। वेब ब्राउज़र डॉट से ओपन को कॉल की क्या खोलना है URL। तो यार अब हमारे असिस्टेंट अगर जब ये खोल देगा तो हमारा असिस्टेंट भी रिस्पॉन्ड देगा कुछ, उसको भी यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। और क्या रिस्पॉन्ड देगा असिस्टेंट रिस्पॉन्स, चल क्यों नहीं हो गया रिस्पॉन्स लिख देते हैं द वेबसाइट यू रिक्वेस्टेड हैज बीन ओपन फॉर यू। तो यार ये हम करवा देते हैं प्रिंट। तो यार ये अभी नहीं चलेगा क्योंकि हमने कोई लूप ही नहीं बनाई ये कमांड चले। यार सबसे पहले तो हम लूप बना देते हैं एक व्हाइल, जिसको हम हमेशा ही ट्रू रखते हैं ट्रू। तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया गया है असिस्टेंट कमांड, तो असिस्टेंट कमांड हमारा प्रोग्राम यार रेडी है। ये क्या आ रहा है एक्सपेक्टेड एंड इंटेंडेड ब्लॉक, तो यहाँ पे हम स्पेस कमांड अनडिफाइंड
तो यार काम तो हो गया। अब यार एक हम स्टार्टिंग में एक चीज कर लेते हैं, जैसे कि ये डिफाइन, यहाँ पे एक चीज लिख देते हैं, असिस्टेंट रिस्पॉन्स हेलो आई एम योर असिस्टेंट, गिव मी अ कमांड। तो यार ये स्टार्टिंग में पहले बोलेगी कि हेलो आई एम योर असिस्टेंट, गिव मी अ कमांड। तो यार सबसे पहले तो नेट से कनेक्ट आपको होना चाहिए, उसके बाद ही ये प्रोग्राम चलेगा, क्योंकि वेब ब्राउजर वाला है। तो यार रन कर लेते हेलो, आई हैं, एम योर असिस्टेंट, गिव मी अ कमांड। ओपन youtube.com। एरर आ गया, ये क्या है, रिटर्न कमांड में इन लाइन 20 सेकेंड, रिटर्न कमांड यार जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे प्रोग्राम में एरर आ रहा है कि लोकल वेरिएबल कमांड रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट। तो यार इसका मतलब है कि कमांड में हमारी वॉइस जा ही नहीं रही। तो यार हमने प्रिंट तो ये करवा दिया है, लेकिन ट्राई में यहाँ पे हम कमांड इक्वल्स टू ऑडियो करते हैं, ताकि कमांड में हमारा ऑडियो चला जाए। अब यार अब प्रोग्राम चलेगा, तो यार करते हैं इसे रन और देखते हैं खुलती है youtube.com या नहीं। हेलो, आई एम योर असिस्टेंट, गिव मी अ कमांड। ओपन youtube.com। द वेबसाइट यू रिक्वेस्टेड हैज बीन ओपन फॉर यू। तो यार अब इसके बाद हम अपने सिस्टम से कहेंगे कि शो टाइम या शो डेट, तो उसका प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे अब हमने एक इफ़ कमांड यूज़ कर दी है, तो दूसरी बारी इफ़ नहीं करेंगे, एल्स इफ़ लिखेंगे, जिसे यहाँ पे शॉर्ट में एल इफ़ कहते हैं। तो यार अगर हमारी कमांड में हुआ टाइम इन कमांड, तो यार ये इंपोर्ट कर देगा डेट टाइम, जो एक लाइब्रेरी पहले ही यहाँ पे होती है। तो यार इसका यही पैटर्न है, नाउ इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ ब्रैकेट, और ये हमारा हो गया इंस्टॉल। अब हम लिख देंगे यहाँ पे कि असिस्टेंट रिस्पॉन्स, तो ये बोलेगा कि करंट टाइम इज दिस। तो यार करंट टाइम इज, पहले हम इसे बताएंगे कि इतने आवर्स इतने मिनट्स, तो आवर्स मिनट्स पर, अब आवर्स और मिनट्स प्रिंट करवा देते हैं। नाउ डॉट आवर्स कॉमा नाउ डॉट मिनट्स, मिनट्स प्रोग्राम यार रेडी है शायद, शायद अब शायद। तो यार इसे रन कर लेते हैं एक हेलो, बारी, आई एम योर असिस्टेंट, गिव मी अ कमांड। व्हाट्स द टाइम। डेट टाइम ऑब्जेक्ट हैव नो तो एट्रीब्यूट। यार जो एरर आ रहा था वो यहाँ पे मैंने परसेंट एस लिख दिया था, जो कि था परसेंट डी। तो यार अब हम रन करके देख लेते हैं अपने प्रोग्राम को। हेलो, आई एम योर असिस्टेंट, गिव मी अ कमांड।
व्हाट इज द टाइम? करंट टाइम इज 16 आवर्स 39 मिनट्स। तो यार जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, टाइम इसने बिल्कुल सही बताया है। तो यार आज की वीडियो में इतना ही, कल दो और वीडियोस रह गए हैं जिसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप कैसे कैसे अपने सिस्टम से अलग अलग काम करवा सकते हैं। तब तक के लिए करंट यार, टाइम इज 16 आवर्स 40 मिनट्स। ओहो ये बंद कर दूं पहले। तब तक के लिए यार आप इस प्रोग्राम को कर सकते हैं, मैंने लिंक या कोड पूरा ही प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू गाइस।